यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 16 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसराइल उसकी भेड़े हैं, परंतु अन्य जातियां भी उसकी वाणी सुनकर आएंगी और सबका झुंड एक ही होगा और एक चरवाहा जो प्रभु यीशु होगा। हम यूहन्ना 10 उसके 17 और 18 पद में आगे पढ़ते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्रिय मित्र, वह परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करता है। पिता उससे प्रेम करता है क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी और इसी कारण हम भी उससे प्रेम करते हैं। क्रूस पर पिता परमेश्वर ने हमारे पाप उस पर डाल दिए थे। अच्छे चरवाहे ने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। प्रिय मित्र, यीशु ने स्पष्ट कहा कि वह अपनी इच्छा से क्रूस की मौत स्वीकार करेगा। उसने अपनी मृत्यु का समय भी स्वयं ही निर्धारित किया था। यहूदी तो उस फसह के पर्व के बाद मारना चाहते थे। हम इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, जिसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। प्रिय मित्र, ध्यान दीजिए, उसने स्वयं यह सब किया क्योंकि उसने कहा था, मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 19 से 21 पद में पढ़ते हैं, इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, उनमें विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि कुछ भेड़ें थी और कुछ नहीं थी। यह विभाजन सदा बना रहेगा। पौलुस के समय भी यह अंतर था, आज भी यह विभाजन है और शायद रहेगा। मेरे मित्रों, आप क्या कहते हैं, कि वह आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर है या कोई छलिया है अर्थात ठगने वाला है? हम पाते हैं मसीह परमेश्वर के तुल्य है। झोपड़ियों का पर्व अक्टूबर माह के अंत में आता था और स्थापना पर्व दिसंबर के अंत में। इसका अर्थ है कि इस बीच 2 माह का समय निकल चुका था। सीरिया के इंतियोकस इफेपोनस ने मंदिर को अशुद्ध कर दिया था। यहूदा मकेवियस ने 167 ईस्वी पूर्व में मंदिर को मुक्त कराकर उसका शोधन किया तथा दीप जलाए। इसी के उत्सव में स्थापना का पर्व मनाया जाता था। यह यीशु की अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति थी। इसके बाद वह एकांतवश में रहेगा और क्रूस की तैयारी करेगा। मेरे मित्रों, समय अधिक नहीं है। यदि आप अभी उधार नहीं पाएंगे तो जाड़े की ऋतु आ जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत देर हो चुकी होगी। यिर्मयाह ने स्पष्ट ही कहा है, यिर्मयाह की पुस्तक 8 अध्याय उसके 20 पद में, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। यह कितना ही दुख का बात होगा यदि आप उसे ग्रहण ना करें। हम यूहन्ना 10 अध्याय उसके 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था, तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह ठंड का समय था, इसलिए यीशु सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। यह स्थान उनके लिए था जो यहूदी नहीं थे। यीशु ने अपनी पहचान स्पष्ट कर दी थी और उसे स्वीकार करने वाले उसे मसीह मानते थे। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 41 पद में, अन्द्रियास ने अपने भाई से कहा था कि उन्हें मसीह मिल गया है। नतनेल ने उससे कहा था कि वह परमेश्वर का पुत्र इसराइल का राजा है।
यूहन्ना 1:49 में कुएं पर आई सामरी स्त्री ने भी अंत में उसे पहचान लिया था और उसके नगर के सामरी पुरुषों ने यह अंगीकार किया था कि वह संसार का उद्धार करता मसीह है, जिसे हम यूहन्ना 4:22 में पाते हैं। जन्म के अंधे ने भी स्वीकार किया कि वह मसीह है और उसे दंडवत किया। अब ये धर्मगुरु यीशु को ही दोष दे रहे हैं कि उसने उन्हें नहीं बताया कि वह मसीह है। प्रिय मित्र, वह तो अपने आप को पहले ही प्रकट कर चुका था, परंतु वे उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहते थे। अतः यीशु ने उनसे कहा, जिसे हम यूहन्ना 10:25-26 में पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यीशु ने उनसे कहा कि उसके काम उसकी गवाही देते हैं। भविष्यवाणी के अनुसार वह दाऊद के मूल से था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसका परिचय दिया था। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों से भी यही कहा था कि मेरे वह काम जो तुम देखते हो यूहन्ना से कह दो तो वह आप ही समझ जाएगा। उसकी शिक्षा, उसका जीवन, उसके चमत्कार सब उसकी गवाही देते थे, परंतु अविश्वासी मन उसे नहीं मानते थे क्योंकि वे उसकी भेड़ों में से नहीं थे। प्रिय मित्र, आज आप कहाँ पर हैं? कौन सी भेड़ों में से हैं? हम यूहन्ना 10:27-30 में पढ़ते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। प्रिय मित्र, ध्यान दीजिए कि यीशु कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। उसकी भेड़ें उसकी वाणी को पहचान कर उसके पीछे चलती हैं। यही आज्ञाकारिता भेड़ों की पहचान है। यदि आप किसी विश्वासी को परखना चाहते हैं तो देख लें कि वह यीशु का अनुसरण कर रहा है या नहीं। नीति वचन 20:12 में लिखा है कि सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें परमेश्वर ने ही रची हैं, हमारे कान उसकी वाणी सुनने के लिए खुले हों। प्रिय मित्र, यीशु ने कहा मैं उन्हें जानता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि कोई तो है जो मुझे जानता है। कई बार लोग मुझे गलत समझते हैं और मुझे सफाई देना पड़ता है, परंतु यीशु मुझे जानता है और उसे सफाई की आवश्यकता नहीं है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जो शब्द सुनकर उसके पीछे हो ली वे उसकी भेड़ें हैं। झुंड की अन्य भेड़ें उसकी नहीं हैं क्योंकि वे उसके पीछे नहीं होती। हम आगे देखते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे। प्रिय मित्र, इसे याद रखें, अविनाशी जीवन यह कमाया नहीं जा सकता है, वह निर्मोल देता है। यदि यह जीवन पाप करके अंत कर दिया जाए तो यह अनंत जीवन नहीं है और वे भेड़ें भी उसकी नहीं हैं। भेड़े संकट में हो तो चरवाहा उनकी रक्षा करेगा और यदि वे तीतर बितर हो गई तो वह उन्हें खोज कर लाएगा। यदि वे चूक जाएं, वे चूकेंगी, तो क्या वे नाश हो जाएंगे? जी नहीं, उसकी भेड़ें सदा ही खाई में गिरी नहीं रहती हैं, अर्थात पड़ी हुई नहीं रहती हैं। उसके हाथ से कोई भी भेड़ों को छीन नहीं सकता है। प्रिय मित्र, यदि मैं आपसे कहूं कि वह मुझे अनंत जीवन देता है और मैं नाश ना होऊंगा, तो आप कहेंगे कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं, मैं अपने चरवाहे के गुण गा रहा हूं, और वह 100 में से 1 भी भेड़ कम नहीं होने देगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह कहता है मैं और पिता एक हैं, अर्थात वह परमेश्वर है। यूहन्ना 10:31-33 में लिखा हुआ है, यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते,
परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। एक बात तो निश्चित है कि जिसने भी उसे सुना जान गए थे कि वह परमेश्वर है। उसने अपने प्रमाण भी प्रकट किए। उसके चमत्कारों का इनकार करना संभव नहीं था। उसने हजारों रोगियों को चंगा किया, फिर भी वे उस पर ईश निंदा का आरोप लगा रहे थे। वह तो कह भी रहा था कि वह परमेश्वर है, फिर भी वे नहीं मान रहे थे। हम यूहन्ना 10 उसके 34 से 38 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। उनका आरोप यह था कि वह मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। अतः उसने भजन संहिता 82 उसके 6 पद का संदर्भ उन्हें दिया, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। परंतु प्रभु यीशु मनुष्यों में अलग था। उसे पिता परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था, अर्थात उसे अलग कर दिया गया था। वह परमेश्वर के विशेष कार्य के लिए पृथ्वी पर आया था। वह परमेश्वर पिता में है और पिता उसमें है। हम यूहन्ना 10 अध्याय उसके 39 से 42 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। फिर वह यर्दन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था। अंतिम पद 42, और वहां बहुतों ने उस पर विश्वास किया। प्रिय मित्र, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने चमत्कार तो नहीं किए, परंतु मसीह की गवाही दी कि वह परमेश्वर का मसीह है। आप मसीह के विषय क्या सोचते हैं? यह आपकी परख है। जब तक मसीह के विषय आपके विचार सही नहीं है, आपके अन्य चरण भी मसीह नहीं होंगे। आप उसकी भेड़ हैं या हो सकते हैं। क्या आप उसका शब्द पहचानते हैं? उसकी भेड़ें अनेक शब्दों में उसका शब्द पहचानती हैं, नहीं तो आप उसकी भेड़ नहीं हो सकते हैं। प्रिय मित्र, हम देखते हैं कि यहूदी धर्मगुरु देखकर, सुनकर और समझकर भी प्रभु यीशु को मसीह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे उसकी भेड़ें नहीं थी। वे उसका शब्द नहीं पहचानते थे। वे उसे घात करना चाहते थे, परंतु यीशु वहां से निकल गया और यर्दन के तट पर आ गया। यहां वह एकांतवास में रहेगा और क्रूस की तैयारी भी करेगा। आगे हम देखते हैं बैतनिया में लाजर को पुनर्जीवित करना। उचित होगा कि हम पहले यूहन्ना का दृष्टिकोण समझ लें। सुसमाचार वृतांत के प्रथम 10 अध्यायों में यीशु अपने आप को अधिकाधिक बढ़ते हुए परिक्षेत्रों में प्रकट करता जा रहा है। उसने काना नगर में विवाह उत्सव से अपनी सेवा आरंभ की। वहां उसके शिष्य थे और अतिथि भी थे। लिखा है कि उसके शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। झोपड़ियों के पर्व में और स्थापना पर्व में उसने संपूर्ण इसराइल जाति के समक्ष अपने आप को प्रकट किया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 16 पद में पाते हैं, उन्होंने उसके चमत्कारों को भी स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 58 और 59 पद में देखते हैं, उसकी बात भी नहीं मानी और उसे मारने को पत्थर भी उठाए। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 30 और 31 पद में स्पष्ट करने के उपरांत भी उन्होंने उसे ईश निंदा का दोषी ठहराकर उसका इनकार किया। यह अध्याय स्थापना पर्व और फसा के मध्य का समय है, जब वह सार्वजनिक सेवा से निवृत्त होकर वैयक्तिक सेवा में है। यह समय दिसंबर का माह है और अप्रैल के मध्य का समय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। प्रत्येक अध्याय में हमें एक चरण ऊपर ले चलता है।
यूहन्ना सुसमाचार लिखने में अपने उद्देश्य को अध्याय 20 उसके 30 और 31 पद में व्यक्त करता है। लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रिय मित्र, यह सच है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में हम पाते हैं, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। जब वह हमारे मध्य में होकर विचरण करता था, तब उसने चमत्कार किए, उपमाओं द्वारा संदेश दिया और उपदेश भी दिए। धर्म कोई भी क्यों ना हो, मृत्यु रहस्य ही है, जीवन भी रहस्य है, परंतु मृत्यु और पुनरुत्थान के बिना उसका कोई अर्थ नहीं है। किसी भी धर्म के लिए प्रश्न यह उठता है कि क्या उसमें मृत्यु पर जय का मार्ग है। अतः यीशु के लिए भी यही प्रश्न है कि क्या यीशु मृतकों को जीवित कर सकता है। प्रिय मित्र, आज का विचार है कि धर्म व्यवहारिक हो, शिक्षाओं तक ही सीमित ना हो। मैं भी यही चाहता हूं, परंतु मैं इसके साथ आशा भी चाहता हूं। हमें अनेक लाभ इस धर्म में दिए गए हैं और सबसे बड़ा लाभ है मसीह यीशु में अनंत जीवन, क्योंकि अनंत काल की तुलना में जीवन काल लगभग नगण्य है। प्रिय मित्र, किसी धर्म में न तो मृतकोत्थान है और न ही मरणोपरांत अनंत जीवन है। मसीह धर्म की आशा है वह है पुनरुत्थान। इस सुसमाचार में मृतकों को जिलाने की 3 घटनाएं हैं, एक बालिका का, एक युवक का और लाजर, एक वरिष्ठ नागरिक जो 4 दिन पूर्व कब्र में रखा जा चुका है। ये तीनों अलग अलग आयु वर्ग से हैं। यहां ध्यान दें कि यह उनको मृत्यु से जीवन में लाना था, पुनरुत्थान नहीं था। पुनरुत्थान की व्याख्या पौलुस 1 कुरिन्थियों 15:42 में देता है। लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। मेरे प्रियो, इन पुनर्जीवित मनुष्यों की देह आत्मिक नहीं थी, वे मर गए थे। 1 कुरिन्थियों 15:23 में पौलुस लिखता है, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने के बाद उसके लोग, तब अंत होगा। मसीह अब तक का सर्वप्रथम पुनरुत्थान है। यीशु ने सब चमत्कारों में अलग अलग विधियां काम में ली, परंतु मृतकों को जिलाने में उसने एक ही विधि काम में ली, उन्हें पुकारा और मृतक भी उसकी वाणी अर्थात आवाज सुनते हैं। जब वह हमें लेने आएगा तब वह हर एक का नाम पुकारेगा। मेरे प्रियो, यह क्या ही अद्भुत दृश्य होगा कि हम फिर से जीवित किए जाएंगे। वह हमें जीवित करने की सामर्थ रखता है। आज भी वह हमें हमारे मृतक समान जीवन में अनंत जीवन देता है। वह अपनी भेड़ों के लिए जान देता है कि हम जीवन पाएं। क्या आप उसकी भेड़ हैं? क्या वह आपके जीवन का द्वार है? मेरे प्रिय मित्र, आज मुझे और आपको इससे बहुत गहराई से सोचने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु एक बार इस जगत में आया, उसने मेरे पापों के कारण और आपके पापों के कारण अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हम बचाए जाएं, और वह फिर से जी उठा, और इसीलिए हम कहते हैं कि वह सर्वप्रथम पुनरुत्थान है। वह आज भी जीवित है और वह मुझे और आपको भी उस पाप के दलदल से निकाल सकता है, मुक्ति दे सकता है, उद्धार दे सकता है, वह शांति और आनंद दे सकता है। पर सवाल है, क्या आप उसे पाना चाहते हैं? क्या आप उसकी आवाज को सुनकर उसके पास आना चाहते हैं? आज आपको निर्णय लेना है।